कहानी है मतलब काफी अच्छी है। बहुत है मैम, आज भी बरसात हुई है तो किन्ने एक बरसात हो चुकी है, कितना ज्यादा रहेगा कदम जिहड़ी। हाँ जी, बारिश हुई हैगी अज साढ़े रिकॉर्ड के 16.4 मिलीमीटर जी बारिश हो चुकी है और ये जी सितंबर की रेनफॉल है वो 180 मिलीमीटर तक पहुंची है जिहड़ी कि 105 मिलीमीटर असीं नॉर्मल कंसीडर करते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो जी सितंबर की बारिश है वह नॉर्मल नालों ज़्यादा हुई है ते अगस्त दे विच जिस तरह कि बारिश काफ़ी घट गई सीगी और जिहड़ा डेफिसिट हैगा 40-45% तक रह गया सी। सो बट हुण जिहड़ी सितंबर दी रेनफॉल अच्छी होण दे नालों जिहड़ा डेफिसिट भी कवर हो चुकिया। और जे आपां पूरे मानसून सीजन की गल करिए तो साढ़े रिकॉर्ड दे विच लुधियाने 640 मिलीमीटर जिहड़ी बारिश है वह हो चुकी है जिहड़ी कि मतलब अबव नॉर्मल है क्योंकि ये भी 600 मिलीमीटर तक असीं जिहड़ी बारिश नॉर्मल कंसीडर करते हैं पर यह नॉर्मल तो ज़्यादा हो चुकी है। बाकी आने वाले दिनों के भी हले संभावना है कि बारिश हो सकती है जिस तरह कि 22-23 में फिर एक्सपैक्टिड है। और जे मानसून विड्रॉल की गल करिए भी हले कोई संभावना नज़र नहीं आ रही कि मानसून सितंबर के विड्रॉ हो सकता क्योंकि जेडे IMD दी प्रडिक्शनस ने उन्होंने अकॉर्डिंगली हले फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के मानसून विड्रॉ होएगा। सो मानसून भी काफ़ी इस वे एक्सटेंड हो गया होया क्योंकि 15 सितंबर नॉर्मल यदि होंगी है विड्रॉ पर एक्सटेंड होकर एंड सितंबर तक ये चला गया। सो बारिश हले होर भी होने के चांसिस ने इस बार फिर अबव नॉर्मल जो रेनफॉल सीजन कंसिडर हो। हाँ जी, जिस तरह झोने का सीजन चल रहा हैगा तो क्योंकि कुछ जो मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है बारिश होंगी है तो जिस तरह कई इनसैक्ट पेस्ट या डिजीज़ का अटैक हो जाता है। सो जिमें कि पत्ता लपेट सुंडी का भी आ रहा, गोप की सुंडी का भी मतलब हमला हो रहा है। सो किसान वीरां ये देखना है कि जे वो आर्थिक पद्धर तो ज़्यादा है तो ही वो स्प्रे की जाए तो जे हले हो सकता है कि बारिश के नाल कई चीज़ कई बार झड़ भी जाते हैं है ना, उन्होंने शेडिंग हो जाती है। सो उदों आपां जिहड़ा इहदा बचाव कर सकते हैं। तो बाकी यह है कि पानी की भी हले मतलब लोड़ नहीं इस तरह ना इरीगेशन वगैरह हले डिले कर सकते हैं किसान भी क्योंकि आने वाले दिनों फिर बारिश की संभावना है। और बाकी ये है कि जिहड़ा पानी है उन्हों उहदी निकासी जरूर की जाए मतलब पानी जिहड़ा वह खेत खड़ा ना रहे। सो ये आप क्रॉप का बचाव कर सकते हैं।